Hey guys, welcome to the online tutorials. Today we shall discuss about sorting materials into groups. Means the materials या फिर matter objects उनको हम किस तरह एक group में arrange कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम discuss करेंगे object क्या चीज़ होती है। Object है a thing that can be seen and touched is called an object. मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको हम छू और देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। हिंदी में जैसे बोलते हैं हम किसी कोई वस्तु या फिर हमारी वर्नैकुलर लोकल लैंग्वेज में चीज़, इनको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मटेरियल। जैसे कि हमारा कोई बुक है, बुक किससे बनी हुई है, पेपर से, तो फिर इसके अंदर मटेरियल क्या हो जाएगा पेपर। और जिस तरह हमारी कोई चेयर है वो किससे बनी हुई है, वो लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, इन चीज़ों से बनी हुई, तो उनके लिए मटेरियल क्या हो जाएगा वुड और प्लास्टिक। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, तो ये सभी क्या है, सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हम क्या करेंगे, अब अरेंज करेंगे, सॉर्ट करेंगे ग्रुप्स की फॉर्म में। किस तरह की, जैसे कि आपने देखा होगा आप कभी शॉप पे गए होंगे तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुकान के अंदर। आपने कभी नोटिस किया हो वहाँ पे जो शॉप्स का रैक है वो अलग मिलेगा आपको, और जो बिस्किट्स का रैक है वो अलग मिलेगा, क्योंकि इस तरह जो सभी चीज़ें अलग अलग ग्रुप के अंदर वहाँ पे अरेंज की हुई होती है। जैसे कि हम घर के अंदर करते हैं, घर में आप देखते हो कि जितने भी यूटेंसिल्स हैं आपके बर्तन हैं वो आप किचन के अंदर रखते हैं, और कपड़े हैं वो सारे अलमीरा के अंदर रखते हैं। इस तरह आपने सभी चीज़ें क्या की हुई हैं, अरेंज की हुई हैं, उनको सॉर्ट कर रखा है एक ग्रुप के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन या फिर सॉर्टिंग किस तरह करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स उनको किस तरह डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट्स किस तरह की होती है, दो ही तरह की होती है, एक लिविंग थिंग होती है और एक नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मीन्स जिनके अंदर जान होती है, नॉन लिविंग थिंग जो चीज़ें निर्जीव होती है जिनके अंदर जान नहीं होती। लिविंग थिंग कौन सी होती है, लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड, वाटर एंड एयर फॉर सर्वाइवल, मीन्स जिनको जीने के लिए भोजन का, पानी और सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को कहते हैं लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं दोज ऑब्जेक्ट्स विच डो नॉट रिक्वायर दीज थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल दूँ तो लिविंग थिंग्स में हो जाएगी जिस तरह डॉग, कैट, ग्रासहॉपर, ह्यूमन, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स, ये सभी क्या है, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में जिस तरह हमारे घर में होती हैं चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सभी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा, जिस तरह की यहाँ पे डॉग दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है कि लिविंग थिंग है, और यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग। इस तरह हम इनको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हमें लिविंग थिंग्स को आगे क्लासीफाई करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उनके लिए हम करेंगे जिस तरह की प्लांट्स एंड एनिमल्स की फॉर्म में, क्योंकि लिविंग थिंग्स में आपने देखा होगा कि सिर्फ प्लांट्स या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। प्लांट्स के अंदर कौन से आते हैं, प्लांट्स के अंदर वो सभी ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कांट मूव, मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर चल कर नहीं जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं हम प्लांट्स। और एनिमल्स, एनिमल्स वो लिविंग थिंग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चल कर आसानी से जा सकते हैं, मीन्स दो एनिमल्स, एनिमल्स आर दोज लिविंग थिंग्स विच कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जिस तरह प्लांट्स, आपको कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर में या फिर कहीं सराउंडिंग में कोई अगर के आसपास कोई पेड़ होगा तो क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो यहाँ से वहाँ नहीं घूमते। और घर में आपने जिस तरह की एनिमल्स में आपने डॉग,
और मम्मी पापा और बहुत सारे एनिमल हैं जिनको आपने देखा हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह हमने लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन कर दिया, अगर हमें नॉन लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन करना तो उसको किस तरह डिवाइड करेंगे? उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए हम सबसे पहले तो किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मतलब मीन्स वो किस चीज़ से बने हुए हैं, फिर उनका यूज और कलर, शेप और साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस और टेक्सचर के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम अब डिस्कस करेंगे। अगर अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल क्लासिफाई करना तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जिस तरह कि आपने देखा होगा अपने घर में चेयर है, टेबल है, बेड है, डूर, ये किस चीज़ से बने हुए हैं? ये लकड़ी से बने हुए हैं। तो मीन्स दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ वुड, एंड नाउ सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मेटल, नेल, यूटेंसिल, मैगनेट्स, कॉइन्स, इसी तरह ग्लास से बनी हुई चीज़ें और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें। ये तो कर दिया हमने इनका मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको शेप के बेसिस पे किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जिस तरह हमने इनको शेप के बेसिस पर क्लासिफाई करना तो उसके लिए क्या देखेंगे कि उनकी शेप राउंड है, रेक्टेंगल है, क्यूबिकल है या फिर क्यूबॉइड की फॉर्म में है? तो ये इनको हम शेप के बेसिस पे, जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉल, बास्केटबॉल और एग्जाम्पल, एक ही शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती, जैसे कि वाटर और शुगर। जैसे वाटर, वाटर जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी क्या है, कोई शेप नहीं होती, क्योंकि इनको हम जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। जैसे शुगर है, शुगर किस फॉर्म में होता है? क्यूबिकल फॉर्म में होता है। जैसे आप कभी है ना अपने घर में एक शुगर पार्टिकल लेना और उसको देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि वो क्यूब की फॉर्म में होता है। देखो मटेरियल, मटेरियल जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, मटेरियल क्या होता है? जिससे जो द ऑब्जेक्ट्स, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं जनरली कोई पेन लेता हूँ तो पेन, जैसे कि पेन है, पेन किस चीज़ से बना हुआ है? पेन एक प्लास्टिक से बनता है। और जो पेन है तो फिर इसमें पेन के लिए मटेरियल क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। और इसी तरह अगर मैं पेंसिल की बात करूँ तो पेंसिल किस चीज़ से बनती है? पेंसिल लकड़ी से बनती है, तो इसके लिए मटेरियल क्या हो जाएगा हमारा? वुड। तो इसी तरह जैसे कि ग्लास है, प्लेट है, ये आप सभी अपने किचन में देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास ले रखा हमने, ये किसका बना हुआ है? ये ग्लास का बना हुआ है। तो इसके लिए मटेरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्लास हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल किस तरह का, मीन्स वो हमें नेचर में एज इट इज मिल जाता है, हमें नेचर से मिलता है या फिर हम उसको अपने हाथों से बनाते हैं, जब मीन्स मशीनों के द्वारा या फिर अपने हाथों से। तो फिर अब इसमें हम मैटर्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर देंगे, वन इज नेचुरल एंड अदर इज मैन मेड। नेचुरल जिससे फॉर एग्जांपल वुड, कोल, रॉक्स, सिल्क, पेट्रोलियम, गोल्ड, कॉटन, ये सभी क्या चीज़ें हैं, ये हमें नेचर से मिलती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल मटेरियल। और जिनको मनुष्य, इंसान, ह्यूमन बनाते हैं उनको कहते हैं मैन मेड, जिस तरह स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये हम बनाते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएंगी? मैन मेड हो जाएंगी। इसी तरह अब हमने इनको मटेरियल्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि नेचुरल है, मैन मेड है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ही मटेरियल से बनी होती हैं, फिर उनको कैसे क्लासिफाई करें, उनके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग मटेरियल्स का बता देंगे कि ये जिस तरह की ग्लास है, ग्लास भी किस किस चीज़ से बन सकता है, ये स्टील से बन सकता है, कांच से बन सकता है, तो इसीलिए इसी प्रकार हम इनको क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके उनके लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे कि वो किस किस मटेरियल से बन सकते हैं। इसी तरह हम एक टेबल और पढ़ाएंगे जिसमें जिसके अंदर डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स, एक मटेरियल है उससे कौन सी ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर की जा सकती है, जैसे कि वुड से हम टेबल बना सकते हैं, चेयर, डोर, विंडोज और बुक्स रैक, वो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, शू रैक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बहुत सारी चीज़ों से बनाते हैं, बहुत, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में देखते हो चाय बनाते हैं तो टी किस किस से प्रिपेयर होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और पानी के अंदर उसको गर्म करके उसके अंदर शुगर डालते हैं और टी लीव्स डालते हैं और फिर उसके अंदर मिल्क डालते हैं, इस तरह हमारी चाय तैयार होती है। जब आपने देखा होगा कि जब हम चपाती बनाते, मम्मा घर में चपाती बनाती है तो फिर उनको किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि सबसे पहले गेहूं का या फिर और किसी चीज़ का आटा लेती है, फिर उसके अंदर नमक मिलाती है, उसके अंदर पानी मिलाती है और फिर उसको गर्म करके फिर उनको तैयार करती है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको मीन्स दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।